जब मैं इधर से गुजर रहा था, रोड को कवर कर रहा था, तो मेरी मुलाकात हुई भागलपुर के माननीय लोकप्रिय सांसद श्री अजय कुमार मंडल जी से। जो अभी सबसे बड़ी समस्या है, यानी चिट्टी की भागलपुर और मिर्जा चौकी को जोड़ने वाली सड़क, उस पर ही मैं चाहूँगा कि सर का दो मिनट मैं को बयान जानूँ और इनकी क्या पहल रही है और ये इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल उजागर मीडिया में। रोड की स्थिति, भागलपुर और मिर्जा चौकी को जोड़ने वाली ये रोड NH80, जो कि बड़ी रोड है, आवागमन काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं उन्हें लेट हो जाता है, कोई शादी के लिए अगर निकलता है तो टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, कोई हॉस्पिटल के लिए जाता है तो उस वक्त पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय है सर, इस पर आपके क्या विचार हैं? माननीय मंत्री सेंट्रल गडकरी जी, पथ परिवहन मंत्री, इस रोड का शिलान्यास किए हैं और उनके द्वारा हमारे भागलपुर लोकसभा में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक पैसा बिहार में अगर कहीं दिया गया, उस दिन उद्घाटन में भी 13,585 करोड़ का शिलान्यास हुआ, जिसमें 8,000 कुछ करोड़ रुपया मेरे यहाँ का शिलान्यास, से भागलपुर लोकसभा का शिलान्यास रोड के लिए, NH80 के लिए और 4 लेन के लिए। तो आप मान के चलिए कि इस 3 साल के दरमियान में भागलपुर में आपका NH80 में पैसा आया, ये भी काम हो रहा है, आपका 4 लेन में आया, 4 लेन पुल हुआ विक्रमशिला सेतु के समांतर, हाजडिया भागलपुर रोड में काम स्टार्ट हो रहा है, उनका सर्वे चल रहा है, वीरपुर बीरपुर रोड में काम सर्वे चल रहा है। तो कामों की यहाँ कमी नहीं है, सिर्फ अब दिखाई, जब वो धरातल पर आना शुरू हुआ है तो दिखाई देना शुरू करा। अभी जिस समस्या से आप जूझ रहे थे, इस समस्या का भी रोड में देखे होंगे कि सर्वे नौपी शुरू हो गया है और सब काम स्टार्ट हो गया है। वो आपको लगेगा कि अगले बारिश के बाद, इस बारिश के बाद सभी रोड मेरा भागलपुर में जो विकास की गति है वो पूरे बिहार में आज के डेट में सबसे अधिक है रोड के मामले में। सांसद का कहना है कि जो हमारे पथ पर कह देता है, मैंने चुनाव लड़ने के समय कहा था कि 90 दिन में मेरा NH कंप्लीट होना चाहिए, 90 दिन में, और अब तक मैं 3 साल में 3 बार NH को मैंने कालीकरण करवाया मिर्जा चौकी से भागलपुर तक। फिर हर साल सर रोड की स्थिति दयनीय हो जाती है। जिस वक्त ये रोड बना था उस समय 6 चक्का के मानक के बराबर के अथी में था, रोड था, और आज 22 चक्का का गाड़ी चलता है, 28 चक्का का गाड़ी चलता है, तो उसके हिसाब से अब रोड में मानक आ गया है कि 100 चक्के की भी गाड़ी चलेगी तो दिक्कत नहीं है। अभी जो रोड बनेगा आपका, उस 100 चक्के का भी गाड़ी से दिक्कत नहीं है। सांसद महोदय का कहना है कि हमारे जो पथ परिवहन मंत्री हैं सेंट्रल में नितिन गडकरी जी ने भागलपुर को सबसे ज़्यादा तोहफा दिया है, रोड का सौगात दिया है, 8,000 करोड़ रुपए जो है इस रोड के लिए, और भी यहाँ पर जो 4 लेन बन रहा है वो भागलपुर में रोड का जाल बिछेगा। इनका ये भी कहना है कि 3 साल में जो कुछ देखने को मिला है, हर साल मैंने यहाँ पर काम करवाया लेकिन रोड की जो क्वालिटी थी वो 6 चक्का के लेवल की बनाई जाती थी और इस पर जो गाड़ियाँ चलती थी 14 चक्के की, 22 चक्के की, इस वजह से रोड हर साल डैमेज हो जा रहा था। लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर मैं अभी गुजर रहा था, देख रहा था कि यहाँ पर जो में नापने का काम होता है, अमीन वगैरह जो वो काम कर रहे हैं, रोड की लंबाई चौड़ाई जो उनको बनानी है उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो रोड बनेगा पूरी तरीके से मजबूत और अच्छा रोड बनेगा, यही कहना चाह रहे सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब रोड जो बनेगा 15 साल तक रोड को हिलना नहीं है, 15 साल तक रोड नहीं हिलेगा। और इस बरसात के बाद NH80 जो है भागलपुर से मिर्जा चौकी को जोड़ने वाली, इस इलाके के लोगों को या फिर इस क्षेत्र में चलने वाले, इस रोड में आने जाने वाले गाड़ियों को, लोगों को वो सौगात मिल जाएगी, जैसा हमारे सांसद भागलपुर के लोकप्रिय सांसद अजय कुमार मंडल जी का बयान है। एक चीज सर मैं जानना और चाहूंगा सर, यहाँ पर अभी ईंट डालने का काम हो रहा है, जो भी गड्ढे हुए हैं उसमें ईंट डालने का काम किया जा रहा है, ये तत्काल मतलब वैकल्पिक व्यवस्था है? इनके ईंट डाल देंगे, इस पर आकर के विभाग काम, चूँकि अभी जो है विभाग में पैसा आने वाला है वो रिपेयरिंग के लिए, तो लेकिन अभी चूँकि बोला इंजीनियर के लिए लेट लगेगा, तो लेट के कारण जनता सफ़र कर जाएगा ना, इसीलिए भागलपुर भट्टा यूनियन के जितने भी मालिक हैं उन लोगों के द्वारा ट्रक, JCB ट्रैक्टर दिया गया है और साथ में ईंटे का टुकड़ा भी, वो टुकड़ा डाल करके तत्काल इसको भर कर, हाँ ऑफिस के बाद फिर रोड का रिपेयरिंग हो करके भी काम होने के बाद फिर काम, हाँ, काम तो बरसात होने के बाद तो फिर स्पीड से काम चालू हो जाएगा। तो ये थे भागलपुर के लोकप्रिय सांसद जनाब अजय कुमार मंडल जी और आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम, धन्यवाद।